स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ही था कि सितंबर के पहले वीक में दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे सामने निकल कर आ रही है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही नोटिस आया है जो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। इसमें आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वैसे ये PDF 56 पेज की है, लेकिन मैं आपको कुछ ज़रूरी जानकारी ही इस वीडियो में बताऊंगा। तो 2 महीने हैं आपके पास तैयारी करने के लिए। देखिए, इस वीडियो में ये दे रखा है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये 1 तारीख, ये आपको दिख रहा होगा, 1/9 से फॉर्म शुरू है और 30/9 तक फॉर्म आपके चलेंगे। और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 30 तारीख, यानी 30 सितंबर। उसी तरीके से आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन की जो डेट है वो 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक है। और जिस तरीके से एग्ज़ाम की जो डेट थी वो पहले से ही फाइनल थी कि 14 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन उन्होंने दिसंबर दे रखा है। कहीं ना कहीं ये 1 महीना इन्होंने शायद हो सकता है कि आगे बढ़ा दिया हो। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं इसमें, देखिए। हाँ, तो इसमें वैकेंसीज कितनी हैं, तो कांस्टेबल जो मेल की जो वैकेंसीज़ हैं वो जनरल की वैकेंसी हैं 2,748 और EWS की हैं 488, OBC की हैं 258, SC की 717, ST की 242। और इस तरीके से जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 4,453 वैकेंसीज़ हैं। और अदर्स की बात करते हैं, यानी कि कांस्टेबल मेल्स में जो एक्स सर्विस मैन हैं इंक्लूडिंग SC और ST, वो टोटल 266 वैकेंसीज़ हैं। अगर हम मेल में कमांडोज़ की बात करें तो SC और ST को इंक्लूड करके ये 337 वैकेंसीज़ हैं। कांस्टेबल फ़ीमेल की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं फ़ीमेल के लिए। तो फ़ीमेल के लिए जनरल में 502 वैकेंसीज़ हैं, EWS में 268 हैं। और इसी तरीके से टोटल जो वैकेंसी है फ़ीमेल की वो 2,491 वैकेंसी है। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पर 7,547 वैकेंसी हैं। पिछली बार समथिंग 9,000 से ऊपर वैकेंसी थी, इस बार थोड़ी सी वैकेंसी कम ज़रूर है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी संख्या है, 7,547 वैकेंसी। और ये जो दे रखा है इसमें आप ये खुद पढ़ सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन की बात की गई है। SC ST आप जानते ही हैं 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC 3 साल का है, स्पोर्ट्समैन की बात करें तो 5 साल का है। और आगे भी इसमें बहुत सारी जानकारी दे रखी हैं। पेमेंट जो एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने स्टेट वाइज बना रखे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश में भी इसमें एग्ज़ाम सेंटर है, प्रयागराज के अंदर, ईस्टर्न रीजन में भी इन्होंने सेंटर है, अंदमान निकोबार, कर्नाटक, केरल, तो स्टेट वाइज भी यहाँ पर आपको सेंटर देखने मिलेंगे। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है जो पिछली बार भी हुआ था। इसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। 100 क्वेश्चंस आएंगे आपको और इसमें शायद आई थिंक 90 मिनट मिलेंगी आपको। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो आपका है वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के मिलेंगे, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स आपको 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का देखने मिलेगा, और कंप्यूटर यानी फंडामेंटल कंप्यूटर आएगा, बेसिक कंप्यूटर आएगा, इसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के देखने मिलेंगे। और इस सब के लिए आपको जो समय मिलेगा वो 90 मिनट मिलेगा। कहीं ना कहीं समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। एग्ज़ाम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। और जैसे यहाँ विस्तार से पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है, मोस्टली जो करंट अफेयर्स जो है इसका बहुत ज़्यादा वेटेज कहीं ना कहीं GS में है। रीजनिंग में आपको वर्बल नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग देखने को मिलेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक को अर्थमेटिक का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर में फंडामेंटल MS एक्सेल है, MS वर्ड है, इंटरनेट और वेब ब्राउजर्स के आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इसकी बात करें फिजिकल की तो मेल नट में 1600 मीटर की रेस है
और जो 30 और 40 ईयर्स के बीच में जिनकी एज है उन्हें 7 मिनट में 1600 मीटर रेस लगानी है, और जो 40 साल से ऊपर के हैं उन्हें यह रेस 8 मिनट में लगानी है। और साथ में लॉन्ग जंप भी है, 14 फीट लॉन्ग जंप है। और हाई जंप की बात करें तो कहीं ना कहीं 3 फीट के समथिंग, यानी कि लगभग 4 फीट के समथिंग इसमें हाई जंप है। हाइट जो मेल की हाइट होनी चाहिए, मेल की हाइट करें तो इसमें हाइट काफ़ी मायने रखती है। 170 सेंटीमीटर मेल की हाइट इसमें मांगी गई है, 170 सेंटीमीटर। और फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट है। फीमेल की अगर फिजिकल की बात कर लेते हैं तो 30 साल तक के जो हैं, 30 साल तक के हैं, उन्हें 8 मिनट में 1600 मीटर रेस लगानी है। 10 फीट इसकी लॉन्ग जंप है और हाई जंप जो है वो 3 फीट के समथिंग होनी चाहिए। और फीमेल की मैंने हाइट बता दिया इधर, 157 फीमेल की यहाँ हाइट होती है, आपको ये मालूम ही होगा। और इसी के कम गई थी, आपके पास बहुत कम समय बचा है, 2 महीने का समय है, और इस 2 महीने में आपको जी जान से मेहनत करनी है। एक सीट आपको 100% लेनी ही है दिल्ली पुलिस में। तो दिल्ली पुलिस की कंप्लीट तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट जीएस, देखिए जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा होता है, तो मैंने सोचा है कि 50 क्वेश्चंस अगर जीएस, केवल मैथ से काम चलेगा नहीं, तो 50 क्वेश्चंस आपको जीएस के मिलेंगे, तो बहुत बड़े पोर्शन को एक सीमित पोर्शन हम बना सकते हैं अगर हम सही स्ट्रेटजी से और प्लानिंग से चलेंगे। तो आपको 6 जो मैंने जीएस के पोर्शन बताए थे पिछली वीडियो में, उसमें मैं लगभग सभी 6 पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। बस आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बने रहना है एंड तक। तो 2 महीने आपको मिलेंगे, और इसमें जो भी जानकारी है आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, तो मैं एक वीडियो इसके लिए अलग से लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूँगा कि 2 महीने के अंदर आप किस तरीके से सटीक रणनीति और प्लानिंग से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन था, बहुत से अभ्यर्थी इस इंतज़ार में थे कि कहीं ना कहीं कि दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो, तो दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है।